आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं द मार्केदार डील्स, महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, वीजी कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी ईएमआई पर। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्हासनगर में सिंधियत के विषयों पर हमेशा आप अग्रसर रहे हैं। जैसे मनपा द्वारा साइन बोर्ड लगाए गए तो वहाँ पे सिंधी में भी नाम लिखना चाहिए, सिंधी संतों के नाम से चौक बनने चाहिए। यहाँ तक महाराजा दाहिर सेन की प्रतिमा भी आपने उल्हासनगर में लगवाई। अब एक विषय सामने आ रहा है कि दिल्ली में जो म्यूजियम बनी है उस विषय में भी आपने अच्छा योगदान दिया है, जैसे शहर का नाम भी रोशन हो और सिंधियत के बारे में लोगों को जानकारी मिले। क्या है पूरा मामला? संस्कृत में एक कहना है, जननी जन्मभूमि चा स्वर्गद्यापी दरियासी, यानी जो हमारी जन्मभूमि है, हमारी जननी है, वो स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होनी चाहिए। तो मैं उस बात को मानता हूं, उल्हासनगर शहर मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। दुनिया के किसी भी शहर में मुझे वो सुकून, वो लगन, वो प्यार नहीं मिलता जितना मुझे उल्हासनगर शहर में रहने के नाते, उल्हासनगर में बसने के नाते मिलता है। तो जब जब भी अशोक जी मुझे मौका मिलता है मेरी स्वर्ग जैसी उल्हासनगर के विषय में अच्छी बातें बोलने का, उनके गुणगान करने का या उन्हें और ऊपर पायदान तक पहुंचाने का, तो मैं वो बिल्कुल मौका छोड़ता नहीं हूं। ऐसा एक मौका मुझे फिर से मिला दिल्ली में। विभाजन संग्रहालय, पार्टीशन म्यूजियम बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन 5 अक्टूबर के दिन हुआ। हमारे केंद्रीय मंत्री बैरव सिंह शेखावत जी और बाकी जो डिग्निटीज थे केंद्र सरकार के, वहां पर एक विभाजन संग्रहालय जो बनाया गया है, पार्टीशन म्यूजियम, वहां पे पार्टीशन के वक्त, विभाजन के वक्त जो त्रासदी हुई थी, किस प्रकार से पंजाब में जो प्रॉब्लम हुआ था, गुजरात में जो हुआ था, बंगाल में जो हुआ था, और सिंध की जो सबसे बड़ी सिंधी समाज के लोगों की जो नुकसान हुआ था, जो उन्हें दिक्कतें हुई थी, किस तरह के सामने उनको करने पड़े थे, किस तरह से वो उनसे निपटे थे, और आज वो 75 साल के आजादी के अमृत उत्सव मना रहे हैं हम, उन 75 वर्ष में आज उनके क्या हालात है, कहां तक है वो, किस तरह के सिंध के आए हुए सिंधी पहुंचे हैं, उनके लिए उस संग्रहालय में एक 1500 स्क्वायर फुट का एक बनाया गया है म्यूजियम में, और उसमें उल्हासनगर शहर के लिए एक अलग जगह दी गई है। उल्हासनगर मैट्रिक्स नाम का एक वॉल बनाया गया है, एक बिलबोर्ड बनाया गया है, जिसमें पूरे उल्हासनगर की हिस्ट्री पार्टीशन से लेके अब तक बनाई गई है। मुझे उस टीम में डॉक्टर सुभद्रा आनंद जी थी उल्हासनगर के बारे में, जिनको बताना था उस टीम की हेड, उन्होंने मुझे जुलाई के महीने में संपर्क किया और मुझसे संपर्क किया, पूरी टीम आई, हमने उल्हासनगर शहर में घूमे, बहुत सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा की, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, जानकारी ली, राउंड द क्लॉक हम बैठे थे कई दिनों तक। उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि उल्हासनगर शहर में ऐसे कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज बताइए जो पार्टीशन के टाइम पे जीरो थे, पर आज वो 75 वर्षों में दुनिया लेवल पे फेमस है, वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। तो उदाहरण के तौर पे मैंने उन्हें कैलाश पर्वत बताया कि कैलाश पर्वत की ब्रांच कैसे उल्हासनगर शहर से शुरू हुई थी और आज पूरे वर्ल्ड में कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट फेमस है। उसी प्रकार से राजा वीर बेकरी, छोटा सा बेकरी आइटम, बिस्किट, खाड़ी तोश बनाने वाले, आज दुबई में उनके उद्योग चलते हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं। उसी तरह से टीकम दास दाल वाले, उसी तरह से कमल टी वाले, उसी तरह से एल्को मार्केट की पानीपुरी, उसी तरह के विंग्स म्यूजिक, ऐसे बहुत सारे मैंने उनको बताए, तो उनको वो जानकारी अच्छी लगी, उन्होंने वो जानकारी लेकर वो बाकी टीम के सामने रखी। और 5 अक्टूबर को जब उद्घाटन हुआ तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे बधाई आने लगी, लोगों ने मुझे संपर्क किया, वो टीम ने संपर्क किया, तो जब मैंने पूछा किस बात की बधाई, तो उन्होंने कहा कि वो संग्रहालय में जो पार्टीशन म्यूजियम बनाया है दिल्ली में, उसमें जो सिंध का एक पोर्शन बनाया गया है, द लॉस्ट
होमलैंड ऑफ सिंध करके उसको नाम दिया गया है, उसमें एक उल्लासनगर मैट्रिक्स करके एक बिलबोर्ड बनाया गया, एक पोर्शन बनाया गया है, उसमें आपका नाम भी लिखा गया मनोज लासी, कि उल्लासनगर से मनोज लासी ने हमको ये पूरी जानकारी दी कि उल्लासनगर की अच्छी चीजें, रहन सहन सिंधित है, हमारे बहराने, हमारे मंदिर, हमारे ठिकाने, जो भी हमारा कल्चर है, हमारा बिजनेस, और हमारे मैंने जो कहा शून्य से शिखर तक हमारे शहर के जो लोग पहुंचे हैं वो जानकारी दी, और उन्होंने मेरा नाम वहां पर समझा के जानकारी मिली है, लिखना चाहिए लिखा है। तो ये मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए अशोक जी गर्व की बात नहीं है, ये पूरे उल्लासनगर शहर के लिए गर्व बात है कि उल्लासनगर उनका एक भाई, उनका बच्चा, उनके बीच में एक पला बड़ा मनोज लासी, और जिनका नाम उस म्यूजियम में लिखा गया है, तो ये हमेशा के लिए एक इतिहास बन गया है। आने वाले हजारों सैकड़ों वर्ष तक वो रहेगा, हम नहीं रहेंगे, हमारा नाम नहीं रहेगा, पर वहां पे दिल्ली के म्यूजियम में मनोज लासी का नाम रहेगा। तो ये पूरे शहर के लिए गर्व की बात है, मेरे उल्लासनगर के हर व्यापारी, हर रहने वाले के लिए गर्व की बात है। तो मैंने ये कुछ ऐसा कुछ बड़ा कुछ मैंने नहीं किया, मेरे शहर की जो अच्छाइयां हैं, मेरे उल्लासनगर की जो अच्छे काम है और जो दुनिया लेवल पे फेमस है, मैंने उनका उनकी जानकारी उनको दी है। संग्रहालय के लिए आपने कुछ नाम उनको सजेस्ट किए और यहाँ इंटरव्यू में भी आपने उनके नाम यहाँ पे गिनाए हैं, ऐसे क्या आप करना चाहते हैं जैसे आज की जनरेशन इस तरह से आगे बढ़े, उसमें क्या भूमिका निभाएगी आप? देखिए, हमारे शहर में स्किल की या शून्य से शिखर जाने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमारा शहर व्यापारियों का शहर है, उद्योगपतियों का शहर है, यहाँ पर आप एक ढूंढो हजार मिलेंगे, ऐसी कहावत बैठती है मेरे शहर के ऊपर। मेरे शहर में बहुत सारी प्रतिभा है, बहुत सारा कौशल है, कहीं ना कहीं उनको सरकारी मदद नहीं मिल रही है या उनको ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद नहीं मिल रही है। ये जो मैंने नाम बताए आपको, कैलाश पर्वत हुआ या राजावीर बेकरी हुआ या विंग्स कैसेट वाले हुए या टीकम दास दाल वाले हुए या कमल टी वाले हुए, इनको कोई सरकारी मदद नहीं मिली थी अशोक जी। ये अपने कौशल से, अपने प्रतिभा से, अपने स्टाइल से, अपने माइंड से वो लोग जीरो से हीरो बने हैं। तो सरकारी उनको कोई भी सरोकार नहीं मिला है, गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं मिली है। पर और अगर ऐसे लाल हमको निकालने हैं, उल्लासनगर शहर में मैंने बोला प्रतिभा की कमी नहीं है, बिजनेस माइंड की कमी नहीं है, एक दो हजार मिलेंगे। तो मैं यदि ऐसी कोशिश रहेगी तो ये और निकलनी चाहिए, हजारों निकलनी चाहिए, ये उंगलियों पे गिनने जितने नहीं होने चाहिए। आज भी है पर उनको कहीं ना कहीं एक एक्सपांशन नहीं मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो मेरे जो नेता है पप्पू कलानी जी, मेरे जो गुरु है, उन्होंने हमेशा उल्लासनगर के व्यापार और उल्लासनगर के उद्योग को बढ़ाने की कोशिश की है। ओमी कलानी जी युवा नेता जो है वो हमेशा इस तरह के प्रतिभाओं को आगे लाते हैं। तो आने वाले भविष्य में हम हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये जो उंगलियों पे गिनने जितने नाम है जिन्होंने दुनिया में पायदान पर उल्लासनगर का नाम रोशन किया है, ये सैकड़ों में होनी चाहिए, हजारों में होनी चाहिए, क्योंकि दिमाग है, प्रतिभा है, कौशल है, धंधा करने की जानकारी है, सिंधियों के रग रग में बिजनेस बराबर है, सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करनी चाहिए। तो भविष्य में हम पूरी तरह से यूटीए के माध्यम से या फोरम ऑफ उल्लासनगर के माध्यम से या फेडरेशन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, जैसे मेरे उल्लासनगर का उद्योग, मेरे उल्लासनगर के एटम, मेरे उल्लासनगर के जो व्यापार है जो वर्ल्ड लेवल पे जाना चाहिए और उसमें उसकी क्षमता है, तो उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।